वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो सत्संगियों, आप जी का अज के सैशन में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह आप जी ने पता, हर मंगलवार साढ़े नाल ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी लुधियाना तो जुड़ते हैं, जिड़े पिछले काफ़ी अरसे तो पट साहबान के सवैये, जिवें मैं पिछली बार बेनती की सी, भी सिर्फ शब्दार्थ ही नहीं है, वो बड़े डूंघे भाव, अखरां दी बणतर, उन दी ग्रामेटिकली एप्लीकेशन, सारी चीज़ें बड़े विस्तार नाल दस रहे हैं। तो ये टॉपिक भी, विशा भी बड़ा अहम है पट साहबान के सवैये जड़े ने, क्योंकि इन्हें जी शब्दावली भी है वह भी सानू समझण लई थोड़ी मेहनत की लोड़ होंगी है, जिड़ी काफ़ी आसान ज्ञानी जी ने सानू करके दसी है। तो जरूरी गल है कि वो कई होर सवाल जड़े ने उत्पन्न होंगे ने, जिड़े कि जिज्ञासु के मन में आने लाजमी ने। तो संगत विचों गाए बगाए काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ज्ञानी जी उन्हों के बड़े सानू तसलीपूर्वक उत्तर भी देंगे ने। तो अज का जो सैशन है वह चेचे तौर पर जिहड़े पिछले हुण तक ज्ञानी जी ने सानू गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी दे जिहड़े सवैये जिहड़े ने उन्होंने प्रति पट साहबान दे उचारे उन्हां बारे दस्या सी, और संगतां वालों कुछ एक सवाल जिहड़े ने वो आए ने, और हुण भी संगत विचों जिहदे मन च कोई होर सवाल आएगा वो ज्ञानी जी नूं पुछ सकदे ने। तो ज्ञानी जी नूं मैं बेनती करांगा कि वो अज का ये प्रोग्राम जिहड़ा प्रारंभ कर, और जिहड़े शंके या जिहड़े क्वेश्चन संगत दे ने वो कृपा करके उन्हां नूं उन्हां दी सानू तसली कराउण जी। धन्नवाद ज्ञानी जी तुहाडा एडवांस विच। तो आप जी नूं बेनती है कि आप जी हुण प्रोग्राम प्रारंभ करो जी। ज्ञानी अमृतपाल सिंह सत्कारयोग गुरमुख प्यारे सरदार हरजीत सिंह जी, चेयरमैन सिख मिशनी कॉलेज, उन्हां दी समुची विद्वानां दी टीम, इस क्लास नाल जुड़े हुए सारे ही गुरमुख प्यारे नूं सब तो पहले मेरे वल्लों बहुत प्यार सहित वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की पिछले फतेह। सेशन दे विच तो ज्ञानी जी, एक सवाल जो पिछली बारी भी असी डिस्कस किया सी, जिस दे बारे थोड़ा विस्तार शायद आप जी का विचार चाहिए है कि पट्टा दे सवाइयां दे विच बहुत बारी ये वर्णन किया गया है कि सतगुरु ते अकाल पुरख एक ही रूप हैं। गुरु रामदास पातशाह की जो उस्तत है उहदे विच भी पट्टा ने बार बार गुरु रामदास जी नूं अकाल पुरख दे तुल ही करके बयान किया है। तो इस कॉन्सेप्ट नूं थोड़ा आप जी विस्तार सहित एक्सप्लेन करो कि किवें गुरु शरीर विच हुंदिया होया भी अकाल पुरख दे तुल है। सत्कारयोग सरदार साहब जी, आप जी ने जिहड़ा सवाल दस्या पिछली बार, ये सवाल आया सीगा ते असीं गुरबाणी दे विच्चों बहुत सारे प्रमाण लै के ये देखिया सी कि गुरु साहिबानां नूं वख-वख थावां ते रब दा रूप दस्या गया, बहुत थावां ते, और गुरु ते प्रभु दे विच कोई फर्क नहीं। एक सवाल फिर पैदा होंदा है कि रब ते अजूनी हैगा, जे रब अजूनी है फिर गुरु साहिबान नूं असीं रब दा रूप किवें कह लवांगे, आम तौर ते सवाल कीता जांदा हैगा। इहदे विच कोई शक नहीं कि रब अजूनी है, वो जूना च नहीं आउंदा। दूसरी गल ये भी नाल सानूं समझ लैनी चाहीदी हैगी है कि वो कोई व्यक्ति नहीं हैगा, वो कोई परसन नहीं है जिहड़ा कितें सत्तवें ग्यारहवें आसमान ते बैठा होया हैगा, जिहड़ा सब नूं देख रिहा उत्थे बैठ के। वो एक परसन, एक व्यक्ति नहीं हैगा, क्योंकि जे एक व्यक्ति होवे फिर उहदा एक चेहरा होएगा, जे एक व्यक्ति होवे फिर उहदियां दो अक्खां भी होणगियां, जे वह व्यक्ति होवे ते फिर सुभाविक है कि उहदे हाथ पैर भी होणगे, जे वह व्यक्ति होवे ते इह सारियां उहदे च खूबियां होणगियां, क्योंकि वक्खरा हैगा। गुरमत ने रब नूं एक व्यक्ति दे रूप च नहीं मनिया हैगा कि वह वखरा, उहदियां दो अखां ने, उहदा एक नक है, उहदे दो कन्न ने, उहदा एक मूंह है, उहदे दो हथ ने, पैर ने, इस तरह बिल्कुल नहीं मनिया हैगा। यानी जी थोड़ी आवाज बंद हो गई, प्लीज।
हाँ जी हूँ आ रही जी। हाँ जी हूँ आ रही। मैं 1 मिनट ना दोबारा कर रहा हूँ, तुम अनम्यूट कर लो अपने आप में, अनम्यूट कर लो जी। हाँ जी प्लीज हाँ जी कंटिन्यू। ठीक है। हुण गुरु साहब ने रब नूं कोई एक व्यक्ति नहीं मनिया हैगा कि वह कोई व्यक्ति हैगा है, ते उहदियां दो अखां एक नक दो कन ते उहदा मूंह एक चेहरा सारा कुछ हैगा, इस तरह नहीं मनिया गुरबाणी ने, इस तरह नहीं उहनूं मनिया हैगा, बल्कि इस तरह मनिया कि रब का तो कोई चेहरा है ही नहीं, रब का कोई विशेष चेहरा नहीं है। हाँ जिन्ने जीवन के चेहरे ने वह सारे रब के चेहरे ने, उहदी कोई विशेष अख नहीं है, जिन्हिया भी अखा ने सारिया उस प्रभु दिया ही अखा ने सारिया विचों आप देख रहा वै, उहदा विशेष नक नहीं है, सारे जीवन के नक उस रब के नक ने, उहदा विशेष मूँह नहीं है, सारे जीवन के मूँह उहदे ही मूँह हैगे ने, सारे जीवन के चेहरे उहदे ही चेहरे ने। जे एक विशेष चेहरा होएगा तो किस तरह का होएगा, इंडियन लोगों के चेहरा वाला होएगा या चीनी लोगों वाला उहदा फेस होएगा, जां नीगरो दा फेस होएगा, जां उहदा अमेरिकी फेस होएगा, किदां दा होएगा चेहरा, फिर वह भी मिथना पेगा। गुरु नानक पातशाह जी ने स्पष्ट कह दिता कि उहदा विशेष चेहरा है ही कोई नहीं है, उहदा विशेष कोई मूँह नक कन आदिक नहीं हन, सहस तव नैन, हजारां सहस मैंने हजारां अखां उस प्रभु दियां अखां ने, यह प्रभु तेरिया ही अखां ने, नन नैन है तोहे को, पर तेरी अपनी विशेष अख कोई नहीं है, सहस मूरत हजारां मूर्त मैंने मूर्तां चेहरे, हजारां जीवन दे चेहरे हे प्रभु तेरे चेहरे ने, तेरा अपना विशेष चेहरा कोई नहीं है, सहस तव गंध असीं पढ़ते हैं, सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तोही, तेरा वखरा चेहरा नहीं, सहस पद विमल हजारां पवित्र चरण, हजारां पैर तेरे पवित्र चरण हन, नन एक पद पर तेरा अपना विशेष पैर कोई नहीं है, सहस तव गंध इव चलत मोही। रब का एक कौतक हैगा है कि हजारा नक उस प्रभु के ही नक है गए ने, वह अपना विशेष नक नहीं है, वह सारे जीवन दखा देखद है, सारे जीवन के मूँह विचों ही बोल रहा है, सब है घट राम बोलया रामा बोलया राम राम बिना को बोलया रे, सारे जीवन के रब ही नजर आ रहा है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, गल कि गुरबाणी ने एक व्यक्ति विशेष रब न खंडन कर दिता कि एक परसन है, वह सारे जीवन के आप ही रविया है, असल विच अविगतो निर्माइल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया, वह निर्गुण तो सरगुण हो गया, वह जिन्ना सरगुण है वह आप हो गया, साचे ते पवना पया पवने ते जल होए जल ते त्रिभुवन साजिया घट घट जोत समोए, सारे विच है ते सारे वह गुण रूप होके फैलिया होया, गुण रूप होके फैलिया क्योंकि प्रभु है ही गुणी निधान, वह है ही गुणा का खजाना, गुण रूप होके फैलिया होया है, ते जी वह गुण रूप होके फैलिया होया है फिर सुभाविक कि उस रब नूं गुण रूप ही लभ्या जा सकता है, जिन्ने भी रब के नाम ने सारे उहदे गुण ही है, जिन्ने भी रब के नाम ने उस प्रभु के गुण ने, किते भी गुरबाणी ने उहदा वखरा चेहरा नक आदिक नहीं किया हैगा। जिहड़े लोग एक उदाहरण दिंदे ने तेरे बंके लोएन दंत रिसाला सोहने नक जिन्हें लमड़े वाला, कि देखो रब के चेहरे की इतने गल की गई हैगी है, पर जो असं गुरबाणी की व्याकरण पढ़ते हाँ व्याकरण के तहत सानू इस गल की समझ आती है कि तेरे बंके लोएन जिन्हिया तेरिया अखा ने वह सुंदर तेरिया अखा ने, जिन्हें जीवन दखा ने वह तेरिया सोहनिया अखा ने, दंत रिसाला जिन्हें जीवन के सोहने दंद ने वह तेरे ही दंद ने, सोहने नक जे वह व्यक्ति विशेष होएगा तो वह एक ही नक होएगा ना, फिर सोहना नक आना चाहिए सी, पर उत्थे नक दे कक्के थले औंकड़ है, एक नक नक दे थले कक्के औंकड़ नहीं हैगी, कक्के दे उत्थे एक नक दी गल नहीं हैगी, जे कक्के थले औंकड़ हुंदी नक दे फिर एक नक होना सी, उहदा विशेषण सोहना भी एक वचन होना सी, पर उत्थे नक दे कक्के नूं औंकड़ नहीं हैगी, इहदा मतलब बहुते नक, उहदा विशेषण सोहना दी थां ते सोहणे आ गया, सोहणे नक जिन लमड़े वाला जिन्ने जीवन दे नक ने उह तेरे सोहणे नक ने। हाँ जदों भी प्रभु की गल की गुरु साहब ने गुणा रूप च की, एक ओंकार तो लैके सैवं तक वो अठ प्रमुख गुण ने, उहदा गुण की है उहदा किसी नाल वैर नहीं, वह निर्वैर है, उहदा गुण है उहनू किसी नाल डर किसी तो डर नहीं है, वह निरपो है, उहदा गुण की है वह करता है, उहने कुल कायनात नू बनाया है, ते पुरख मैंने बना के विच्चे समा गया, अपनी क्रिएशन तो अपनी कृत तो अलग नहीं हैगा, सैवं उहदा अपने आप तो प्रकाश है,
जिन्हें भी उदे गुण ने दयालु मैंने दया करता है, सृजनहार मैंने सृजदा है, परवतकार मैंने पालदा है, बख्शिंद मैंने माफ कर दिता है। यदा मतलब सारे उदे गुण ने। तो सब तो पुराना गुण उहदा किहड़ा है? क्योंकि सृजनहार गुण उदों बनिया नाम उहदा जदों उहने सृजिया, दातार उदों ना पिया जदों उहने जीवन नूं दातां दित्तियां, बख्शिंद उदों ना पिया जदों जीवन ने पाप किए तो उन्हें बख्श दिते। पर जो जीव ही नहीं सी, संसार ही नहीं सी, सूरज चंद्रमा आकाश ही नहीं सी, वो तो उदों भी सी, उदों दा नाम की होएगा? उदों उदा नाम है सत। बाकी जिन्हें नाम ने किरतम ने उदे कम्मां नूं देख के रखे हुए, किरतम नाम कथे तेरे जेवा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। प्रभु सत है। हुण जे व्यक्ति नहीं है फिर वो की है? इन्हूं मैं थोड़ा जा वखरे तरीके दे नाल इत्थे हुण पेश करन लग्गिआं। असीं कहिंदे आ प्रभु सत है, प्रभु सत है। जे इहदी थां ते इह कह लिया जाए कि सत प्रभु है, ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। रब सच है, इदां लगदा वी उह कोई परसन है जिहड़ा सच है, कोई व्यक्ति है जिहड़ा सच है। पर जदों इस तरह कहांगे सच रब है, फिर वह गुण जिहड़ा वह रब हो जाएगा, व्यक्ति नहीं रह जाएगा। जिहड़ा वह गुण है असल च उही प्रभु है। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਚ ਸਮਾਇਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। प्रभु सच है, इदा लगता है जिवें कोई परसन है, कोई व्यक्ति है जिहड़ा सच है। पर सच प्रभु है, फिर लगता है भी गुण जिहड़ा ना ओह रब है। इस करके असीं सच नूं पाणा है, वह सचियार है। तू करता सचियार मैडा साई, सब आपे सचियार, वह सचियार है। तो असीं वह बनना है सचियार। किवें सचियारा होई है, किवें कूड़ा टुटिया पाल। इको तरीका कि हुक्म रजाई चलना, वो नियमों के अनुसार जो चलोंगे उदो असी सचियार का रूप हो जावे। गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार, गुरु के शब्द राही सच नू प्राप्त कर लिया। ये सच ही ते खसम है, ये सच सबना का खसम है। गुणवंती सच पाया तृष्णा तज विकार, गुणवान हो के सच नू पा लिया, सच पाना ही रब पाना है। सच्चा साहिब एक तू, जिन्हें सचो सच त्याया, जिस तू दे तिस मिले सच, उन्हों सच मिल जाता है, ता तिनी सच कमाया। गुरु किदे नाल जोड़दा जी? रब नाल। ते रब की है? सतगुरु मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया। गुरु नूं मिलिया सच की प्राप्ति हो गई, मूर्ख सच ना जाननी, मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। उन्हों तां जानिया जाएगा जो असी अंदरों सच्चे हो जावांगे, साढ़े अंदर सचार प्रगट होएगा। सच तां पर जानी है जब हृदय सच्चा होए। ते सच किवें मिलेगा, सचार किवें मिलेगा? जो असी सच नाल जुड़ जावांगे असी सचार दा रूप हो जावांगे। सच मिले सचार, कूड़ ना पाई है, कूड़ दे डाड़े नूं सियारी है, कूड़ नाल नहीं मिलना उन्हें, सच नाल सचार मिलता है। इदा कहना कि सच प्रभु है, ज्यादा एक कथन सच दे नेड़े है। रब प्रेम है, इहदा मतलब कोई व्यक्ति या कोई परसन है। जे इदा कहीए प्रेम रब है, जिथे प्रेम है उथे रब आप है, यह ज्यादा समझ आती है। रब दयालु है, दया दा कर है, रब दया है, रब संतोख है। इहदी बजाए दया रब है, संतोख रब है। रब करुणामय है, तरस खांदा है। इहदी थां ते जे कह लईए कि करुणा ही रब है, जिथे तरस है उथे रब आप है, जिथे खिमा है उथे रब आप है, जहां खिमा तह आप। चिंता मन करुणामय, दीनानाथ अनाथ करुणामय, करुणामय है वह। करतार करुणामय, दीन बेनती करे वह करतार की करुणामय है। इहदा मतलब रब है गुण। जे रब गुण है ते उस गुणा नाल जुड़ना है, वो गुण ही निधान है। इस करके गावो राम के गुण गीत, उदे गुणा दे गीत नूं गाओ। उदे नाल की होएगा? गुण कह गुणी समावणिया, गुण कह के गुणा विच जीव समा जाएगा, उन्हां गुणा दा ही रूप हो जाएगा।
जे प्रभु निरपो है असी निरपो बनने है। जिस दिन असी निरपो हो जावांगे, निरपो बन जावांगे, रब हो जावांगे, निरपो जपै सगल पो मिटे। प्रभु निर्वैर है, जिस दिन असी निर्वैर होवांगे असी रब दा रूप हो जावांगे। प्रभु दयालु है, जिस दिन साडे अंदर दया आएगी असी रब दा रूप हो जावांगे। रब जिहड़ा एक अवस्था है, वह वाली अवस्था जिथे गुण ने, जिथे रब के गुण ने। रब एक चेतना की परम अवस्था है, सब तो उच्ची उचाई है, परम चेतना का नाम है रब। वो अवस्था जिदे विच सच ही सच है, जिदे विच प्रेम है, जिदे विच दया है, जिदे विच धीरज है, जिदे विच सारे शुभ गुण ने, उत्थे रब है। इसे करके गुरबाणी ने कह दिता, गुण निदान भगतन को बरतन बिरला पावे कोई। गुण निधान, गुणा का खजाना भगतों की वरतों विहार विच है। वह वरतों विहार विच है, इस करके जो गुणा नूं वरतते ने भगत रब का रूप हो जाते हैं। असं कहने भगत रब का रूप हो गया, हुण उहदा चेहरा नहीं बदल गया, अखां नहीं बदल गईआं, उहदे च रब वाले गुण आ गए। जदों असीं कहने गुरु नानक पातशाह रब का रूप ने, इहदा मतलब उहनां च रब वाले गुण हन। जदों असीं कहने गुरु रामदास पातशाह दा रब का रूप ने, भाव उहनां च रब वाले गुण आ गए, हुण रब हो गए। इसे करके गुरु नूं रब का रूप किया गया। नानक सोधे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। रब दे विच ते गुरु च फर्क नहीं रह गया, जिहड़े गुण रब विच ने ओह गुण हुण गुरु विच भी ने। रब नूं किसे दी मुताजी नहीं है, गुरु भी हुण किसे दी मुताजी नहीं करदा। रब कदी मरदा नहीं है, गुरु भी अमर है। रब जीवन नूं दाता दिंदा है, गुरु भी ज्ञान दा दाता बन गया। रब जिंदगी नूं घड़दा है, गुरु भी जीव नूं घड़ दिंदा है। इस करके सतगुर मेरा बेमोहताज, उन्हों मुथाजी किसी दी नहीं। सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबसका दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता। मेरा पुरख विधाता हो गया मेरा गुरु। जिमें प्रभु जिंदगी नूं घड़दा है, विधियां घड़न वाला विधाता है, मेरा गुरु भी जीवां दे जीवन नूं घड़ रहा है। गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। इस करके गुरु प्रभु च फर्क नहीं है। ताई सतगुरु पातशाह ने बहुत थावां ते इस तरह के बचन कर दिते, सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, तिना चरणा को बलिहारा। गुरु नानक मनु रब मिल गया। क्यों? क्योंकि रब दे सारे गुण गुरु नानक दे विच आ गए, इस करके हुण ओह रब हो गए। राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हे राम, असीं ते गुरु नूं रब मान लिया, क्योंकि गुरु भी पार ब्रह्म है। गुरु का भी पारला बंदा नहीं पाया जा सकता, गुरु ज्ञान का अंत कौन पा सकता है। इस करके राम हम सतगुरु पार ब्रह्म कर माने, हम मूढ़ मुगध अशुद्ध मत होते, गुरु सतगुरु कै बचन हर हम जाने। गुरु का शब्द लगो गुरु मीठा, लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मोहि डीठा, गुरु सुखदाता गुर करतार, जी प्राण नानक गुर आधार। गुरु सुखां दा दाता, उन्हें सुख दे दिते। गुरु करतार है, उन्हें सानू कुछ कर दिता, साड़ी जिंदगी नूं कर दिता, उन्होंने कुछ किया। गुरु नारायण दई गुर, गुर सच्चा सृजनहार, गुर तुठे सब कुछ पाया, जो नानक सदबलिहार। गुरु नूं रब कह के नारायण किया, दयालु किया, सृजनहार कह दिता, रब दा रूप कह दिता। अनेकां थावां ते जदों असीं पढ़दे हां भट्टां दे सवियां विच, तरन गगन नवखंड मैं जोत स्वरूपी रहो, पर पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जुन प्रतख्य हर। गुरु ते आप रब है, हरी है, क्योंकि उन्हां विच रब वाले गुण हन। प्रभु जिहड़ा है असल दे विच एक अवस्था का नाम है, आत्मक जीवन की उच्चता का नाम है, चेतना की परम अवस्था जिहदे विच सारे रब के गुण पैदा हो गए, उन्हों कह दिता रब। इस करके सच प्रेम संतोख दया कृपालता धीरज खिमा जिदे अंदर ये गुण आ जाते हैं वह रब हो जाता है। गुणा नूं तार लेना रब का रूप हो जाना है। गुरु साहबाना असी तां रब कह दिता क्योंकि उन्हां च रब वाले गुण ने। भगतां नूं असी तां रब का रूप कह दिता क्योंकि उन्हां विच रब वाले गुण हन, रब के गुण उन्हां दे जीवन में प्रगट हो रहे हैं, इस करके वह रब का रूप ने। इहदे नाल एक होर सवाल भी आया सी कि जे रब गुणा का खजाना है, रब गुण है, और जिथे भी बच्चे ने जन्म लिया उस सारे रब वाले गुण ने। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम।
ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਔਗਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਔਗਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਔਗਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਗਣ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਐਗਜਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਜਲੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ। ਔਗਣ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਔਗਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਝੂਠ। ਹੋਰ ਝੂਠ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ? ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਖਿਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿਮਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਡਰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਡਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਰ ਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੋਭ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲਾਲਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਲਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸਿਆ, ਸੰਤਨ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਦੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨੌ ਨਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ। ਨੌ ਨਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਭਉ, ਦਿਆਲਤਾ, ਬਖਸ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਗੁਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਉਸ ਤਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਮੂਲ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਪਰੇ ਕੀ, ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮਿਲੇ। ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਚੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਮਾਮੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਆਹ ਗੁਆਂਢੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ।
असी बच्चों के अंदर वैरता आप भरी, दुश्मनी आप भरी, पिता पुरख ही चली आ रही दुश्मनी विरासत बच्चों को दे दी, असी तो लड़ लड़ के जी रही सी ये लड़ाई असी अगों बच्चों को भी दे दी। जे सिख ने निर्वैर पढ़िया होंदा ते निर्वैर बनिया होंदा सिख ते पिता पुरखी दुश्मनी खत्म हो जानी सी, नहीं सी रहनी दुश्मनी, फिर नहीं सी रहनी। वो किसी ने अपनी बच्ची नूं भेजिया भी गुआंढी दे कोलों ना जाके चाची कोलों खंड लै आ, जाके घर परौने आए ने मुक्की खंड लै आ चाची कोलों। वो गई कहने के चाची भी खंड चाहीदी है, चाची ने खंड कोली च पा के दे दित्ती, नाले सिर ते हाथ रखिया, नाले प्यार दिता। बच्ची मम्मी ने खंड मंगाई, कहिंदी हाँ मम्मी ने खंड मंगाई, बाद च असीं वापस मोड़ देंगे। कहिंदी बच्ची बेटी मम्मी होर की कहिंदी सी, कहिंदी मम्मी कहिंदी सी जे बांदरी ना दे तां दूजी चुड़ैल चाची कोल जाके लै आई। दुश्मनी तो असीं आप भर रहे हैं बच्चों च, नफरत असीं आप भर रहे हैं, निर्वैर असीं आप भर रहे हैं, निर्वैरता का गुण तो बच्चा लैके आया सी, असीं सिखाया भी वह चाची चंगी नहीं है तेरी, वो ताई चंगी नहीं है तेरी। सच बच्चा लैके आया अपनी जिंदगी च, बाहरों किसी ने दरवाजा खड़काया, प्यो ने बच्चे नूं कह दिता भी वह फलाना बंदा आया, उन्होंने जाके कह दे भी डैडी घर नहीं है। उन्हें दरवाजा खोलिया जाके कह दिता भी मेरे डैडी कहिंदे ने भी वह घर नहीं है। डैडी बेचारा फड़िया गया, हुण बाद चो फिर डैडी सिखांदा है झिड़का मार के, इदां थोड़े कहीदा भी डैडी कहिंदा भी घर नहीं है, सीधा कहीदा भी डैडी घर नहीं, झूठ ते असीं सिखाया। हुण ऐसी गुण जिहड़े नाल लैके आया सी बच्चा, इन्हां गुणां की वरतों सही रूप च करनी सी, नतीजा की होया इन्हां गुणां की वरतों की नहीं, इन्हां गुणां की अणहोंद औगुण बननी शुरू हो गई। इसे करके गुरु नानक पातशाह जी ने वचन किया, तित सरवर रह पहले निवासा पानी पावक तिन्हें किया पंक जू मोह पग नहीं चल है। इत्थे पंक जू मोह मैं पिछले हफ्ते भी दस्या सी, पंकज मोह नहीं है, पंकज का मतलब होंगे कमल का फुल, जरा पंक मैंने चिकड़, पंकज मैंने चिकड़ विच खिलन वाला कमल का फुल। हुण कमल का फुल कोई मोह का चिकड़ नहीं है, मोह नहीं है कमल का फुल, इत्थे पंक की गल चाली, पंक मैंने चिकड़, पंक जू मोह जिहड़ा मोह है ना ये पंक है, ये चिकड़ है, मोह चिकड़ है, पंक जू मोह पग नहीं चल है। हम देखा तैं डूबी अले मन एक ना चेतस मूड़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। जिथे रब नूं भुल गया उत्थे गुण गलने शुरू हो गए, इहदा मतलब गुण सी पहला अंदर, पर जो रब नूं भुला दिता गुण गलन लग पे। रब नूं भुला दिता भाव उहदे वल पिठ कर ली, सूरज ते रोशनी दे ही रहा सी पर सूरज वल पिठ करके बह गया, अगे हनेरा आ गया। हुण दोष दिंदा भी सूरज ने मैनूं हनेरा दे दिता, सूरज ते कदी किसी नूं हनेरा नहीं दिंदा, हाँ जदों कोई सूरज वल पिठ कर लैंदा है उहदे अगे हनेरा आ जांदा है, रोशनी की एबसेंस का नाम है हनेरा। रब ते गुणी निधान है, तो है ही गुण। जे कोई कहे भी रब ने आप ही मेरे अंदर झूठ पा दिता, आप ही निंदा चुगली पा दिती, गलत है। मैं गुणा वाल पिठ कर ली ते मेरी जिंदगी च औगुण आ गए। गुणा की गैर हाजिरी का नाम है औगुण। जिथे असी सच नहीं बोलते उत्थे साडा हर बोलिया शब्द झूठ है, जिथे असी मिठे बोल नहीं बोलते उत्थे साडा हर शब्द किसी ना किसी चुभ जाता है, जिथे असी किसी ते तरस नहीं खाते उत्थे साडे अंदर जुलम पैदा हो जाता है। बस असल विच गुणा की अणहोम का नाम औगुण हैगा। ते गुरु भगत सिख तुसी जे तुहाडे अंदर रब वाले गुण ने ते तुसी भी रब हो। गुर कृपा जे नरको कीनी ते जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोबिंद सिंह क्यों पानी संख पानी। जिस मनुख ने भी रब के गुणा नु धारण कर लिया वह रब का रूप हो गया, भाव रब गुणा का नाम है। वह गुण जिस मनुख के अंदर प्रगट हो जाते हैं वह फिर रब का रूप हो जाता है। एक सवाल है, आप जी ने कहा है कि रब गुणा का समूह है, गुणा का रूप है, ते रब वाले गुण हर जीव के अंदर जन्म तो ही होंगे हैं, वरते नहीं जा रहे। एक आप जी ने होर भी गल समझाई है कि भाई ये पांच विकार जड़े ने इस देह ही अंदर पांच चोर वसे हैं, तो अगे आंदा है भाई अमृत लुटे है, कि ये विकार जड़े ने साडे अंदर जो अमृत है उन्होंने लुटते हैं, पर इन्हों की होंद कितों आई, इन्हों काम करो लोभ मोहंकार ये कितों आए। हाँ जी, इन्हें इन्हों कहते हैं कावमई अलंकार, ये अलंकार होंगे ने जिहड़े अंदर गुण सन, जो गुणा की वरतों नहीं की गुणा की वरतों ना होनी ही औगुण बन गए।
जिहड़े काम क्रोध लोभ अहंकार ने जिथे संजम नहीं है समझण की वरतों नहीं हुई उत्थे काम आ गया, जिथे मिठी जुबान नहीं वरती असी उत्थे क्रोध आ गया, जिथे असी संतोख का गुण नहीं वरतिया संतोख नूं छड़ दिता ऑटोमैटिकली लोभ। इदां कह लो भी इक्को सिक्के दे दो पहलू ने, इक्को सिक्के दे दो पहलू ने, एक ना एक पहलू उपर रहेगा ही रहेगा, दोनों जुड़े हुए ने एक दूजे दे नाल। जिथे संतोख का पलड़ा थले चला गया उत्थे लोभ उपर आ गया, जिथे प्यार का पलड़ा थले चला गया उत्थे मोह उपर आ गया, जिथे निम्रता का पला थले चला गया उत्थे हंकार उपर आ गया। इक्को सिक्के दे दो पहलू ने, भाव जिवें कोई चीज ठंडी नहीं हुंदी कोई गर्म नहीं हुंदी हैगी, सिर्फ केवल ते केवल उहदी मात्रा च फर्क पै जांदा वै, गुणात्मक भेद नहीं हुंदा मात्रक भेद हुंदा वै, नहीं ते अदरवाइज कोई भी चीज ठंडी गर्म नहीं। जिथे संतोख नहीं उत्थे लोभ है, जिथे लोभ नहीं उत्थे संतोख है। मैंने एक उदाहरण देके समझा दिंदा वा, मानो कोई आदमी अपना एक हाथ अग की मोमबत्ती जगदी उपर रख दे, अग की लाट उपर, मोमबत्ती की लाट से अपना सज्जा हाथ रख दे, अपना खब्बा हाथ बर्फ के उपर रख दे। हुण सज्जा हाथ उहदा गर्म हो गया, खब्बा हाथ बर्फ से रखा से ठंडा हो गया, तो नॉर्मल पानी की बाल्टी है, नॉर्मल टेंपरेचर है पानी का, उस पानी की बाल्टी च अपने दोनों हाथ पा दे। हुण पानी बाल्टी का ठंडा है कि गर्म है? जिहड़ा हाथ मोमबत्ती की लाट से रखा होया वह गर्म हो चुके है, जो वह पानी की बाल्टी च पाया सज्जा हाथ कह रहा पानी ठंडा है, तो जिहड़ा हाथ बर्फ की सिल से रखा सी जो वह पानी की बाल्टी च पाया खब्बा हाथ कह रहा पानी गर्म है। हुण सच की है, पानी ठंडा है कि गर्म है? सिर्फ मात्रा का फर्क है, गुण का फर्क नहीं है। कोई पानी ठंडा नहीं हुंदा कोई गर्म नहीं हुंदा, ठंडा पानी घट गर्म है, गर्म पानी घट ठंडा है। इस तरह रोशनी की है, हनेरी की अणहोंद है, जिथे हनेरा नहीं है उथे रोशनी है, तो रोशनी की है घट हनेरा, तो हनेरा की है घट रोशनी, जिथे रोशनी घट उथे हनेरा है। टैंपरेचर नूं इको थर्मामीटर नाल नाप लिया जाता है, ठंडा भी तो गर्म भी, सिर्फ दो पक्ष ने। इस तरह गुण ते औगुण दोनों जुड़े हुए ने, सिर्फ जिहड़ा पलड़ा भारी हो जाता है दूजा उहदे पिछे लुक जाता है। जिहड़े विकार अमृत नूं लुट रहे ने उह हैगे ने जहर, भाव जदों अमृत नूं असीं नीवा कर दिता तो उह जहर प्रगट हो गई, जहर ने अमृत नूं थले कर दिता, अमृत नूं खा लिया। हुण की होया, अमृत लुटै मनमुख नहीं बूझै कोई ना सुनै पुकारा, अंधा जगत अंध वरतारा बाज गुरु गुवारा। साढ़े कोल गुरु का ज्ञान नहीं सी, इस करके सानू समझ नहीं आई अमृत के उपर दूजा पक्ष उहदा जहर का हावी होना शुरू हो गया, अमृत वाला पला थले चला गया जहर वाला पला उपर हो गया। इस करके गुणा की जिथे अणहोंद है उत्थे काम क्रोध लोभ मोहकार विकारां का जन्म है, जिथे रोशनी की अणहोंद है उत्थे हनेरे का जन्म है, हनेरा रोशनी नूं मानो खा गया। इस तरह मैनूं मंदा हैगा। हाँ जी, एक हैंड रेज होया सी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी का, तो प्लीज अनम्यूट कर लो जी। विक्षी ए तुसी एक लाइन च हैगा जी, हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत में टोल। हर जैसा पुरख, इत्थे पुरख नूं तुसी की कहोगे फिर भी परमात्मा वर्गा बंदा नहीं लभदा, मैं सारा जगत टोल के देख लिया ना। पुरख दा मतलब हैगा व्यापक, रब वर्गा व्यापक कोई नहीं हैगा। बूंद जड़ी ना बूंद ते रहेगी पर सारा सागर दा रूप ते हो जाएगी, पर सागर दा पारला बना नहीं जान सकती भी सागर किन्ना वड्डा है किन्ना गहरा है ते किन्नी दूर तक सीमा ने। इस तरह हर जैसा पुरख ना लभी, हरि वर्गा व्यापक कोई नहीं है, व्यापक सिर्फ हरि है जिहड़ा हर सृष्टि दे कोने कोने तक ओही रमिया होया है, सिर्फ ओही व्याप रहा है। भाव रब वर्गा व्यापक कोई नहीं है। सब देखिया जगत में टोले, मैं सारी दुनिया नूं खोज के देख लिया। जिहड़े कहिंदे सी फलाणा देवता रब हैगा, वह पता लग्या तो एक देश तक ही सीमित रह गया। किसी ने कह दिता भी ब्रह्मा जिहड़ा रब हैगा, क्यों? उहने जी दुनिया नूं बनाया। हुण मैं इत्थे बैठा जर्मनी च, ते मैं इत्थे किसी गोरे नूं कहना भी ब्रह्मा नूं इस दुनिया नूं ब्रह्मा ने बनाया है, वह गोरा कहेगा भी वह कौन होंदा ब्रह्मा, मैं ते कदी सुनिया नहीं नाम, पहली बार सुने। मैं किसी काले नूं कहना वा कि इस दुनिया नूं ब्रह्मा ने बनाया वह रब है, वह काला कहना मैं ते जानदा नहीं उहनूं कौन है वह, मैं ना पहली बार सुने। मैं किसी मैडिकल स्टूडेंट के बच्चे नूं कहना वा कि दुनिया नूं ब्रह्मा ने बनाया, वह हस पएगा। हुण देखो, हवाई जहाज नूं राइट ब्रदर्स ने बनाया पर सारी दुनिया नूं पता है, जां
बल्ब नू एडिसन ने बनाया सारी दुनिया नू पता है, पर ब्रह्मा ने पूरी दुनिया बनाई है किसी नू नहीं पता सिवाय भारत के लोगों को। इहदा मतलब ब्रह्मा सिर्फ भारत के लोगों तक सीमित है, उन्होंने ही पता है होर किसी नू नहीं पता है। पर जिहड़ा मेरा हरि है ना वो वाला रब नहीं जिहड़ा किसी खिते दे विच किसी इलाके विच ही मानता प्राप्त करी बैठा है, वह तो कुल कायनात विच ही फैलिया होया। वह एक लिमिटेड एरिए का भगवान नहीं है, वह व्यापक प्रभु है। उहदे वर्गा पूरी दुनिया च किते भी नहीं लभदा है। हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अणत न काहूं डोले। गुरु ने उस रब का नाम पक्का कराया जिहड़ा व्यापक है। पुरख का मतलब व्यापक। डॉक्टर सुंदर सिंह जी, डॉक्टर जी सुंदर सिंह जी अनम्यूट कर लो जी। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी फतेह। हाँ जी, अपने रब 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 क्रिएटर है, रब अजोनी है, ते गुरु ते रब विच की फर्क है? फिर गुरु किस तरह रब हो गया? फिर गुरु ते क्रिएटर नहीं? देखो कला गुरु ही क्रिएटर नहीं हैगा, तुसी भी क्रिएटर हो, मैं भी क्रिएटर बन सकदा, कोई भी क्रिएटर बन सकदा है। कला रब ही अजूनी नहीं है, तुसी भी अजूनी हो सकते हो, मैं भी अजूनी हो सकदा, गुरु अजूनी है। किवें? सब तो पहला क्रिएटर मैंने करता, करता मैंने कुछ करने वाला। जे रब करता है कुछ कर रहा है, उन्हें सृष्टि नू बनाया, उन्हें संसार नू सिरजिया, पशु पंछी पेड़ पौधे सारा कुछ बनाया, उन्हें कुछ कीता, करता मैंने करने वाला। ते गुरु भी जो जगत ते आया वो भी एवें नहीं बैठा रहा, उन्हें भी कुछ कीता संसार दे लिए, गुरु ने भी कीता, गुरु ने दुनिया नू ज्ञान दिता, गुरु ने संसार दे जीवन नू एक कीता, उन्हां दा जातिवाद खत्म किया, उन्हां नू राजनीतिक तौर पर सेध दिती, उन्हां नू समाजिक तौर पर एक परिवार बना दिता, एक पिता एक सके हमबारक, उन्हां नू धार्मिक तौर पर सच नाल जोड़िया, एको धर्म दृढ़ है सच कोई, कोई सच नू दृढ़ कर लवे एक धर्म हैगा। उन्हां नू शरीरक मानसिक बौद्धिक आत्मिक तौर पर जिहड़ी अगवाई दिती, गुरु करता बन के कुछ कर रहे है, कुछ करन वाला करता है। देखो असी कहना भगत रब का रूप है, किवें है? उहदे च रब वाले गुण ने। हुण रब ते है करता, ते जे मेरे च करता वाला गुण नहीं आएगा मैं रब का रूप नहीं बन सकता। मैनूं रब वर्गा बनने वास्ते मैनूं करता बनना पएगा, कुछ करना पएगा समाज दे लई। किवें? मान लो कोई डॉक्टर हैगा, वह किसी मरीज का मुफ्त विच इलाज कर दे, वह करता हो जाएगा। कोई इंजीनियर किसी गरीब का घर बना दे, वह करता हो जाएगा। कोई विद्वान, कोई टीचर, कोई अध्यापक किसी मुफ्त ज्ञान दे दे, वो करता हो जाएगा, कुछ करके दे गया ना कोई। हुण ना मैं डॉक्टर हाँ, ना मैं इंजीनियर हाँ, मैं किवें करता बना? मैं तो कुछ करके जावा ना संसार ते आया, दुनिया ते आके मैं अग पानी हवा मिली, शरीर मिलिया, माता पिता मिले, समाज च इज्जत शोहरत मिली, बदले च मैं दुनिया नूं की दिता? ईरखा, नफरत, निंदिया चुगली, झूठ, मैं तो विकार दिते। मैं करता उस दिन होवांगा जिस दिन मैं समाज नूं कुछ दे के जावांगा। मैं कुछ नहीं दे सकदा, घट घट सच दे जावां, सच बोल लवां, निम्रता दे दो मिठे बोल दे जावां, ईमानदारी दे जावां, कुछ तो दे के जावां। मैं करता हो सकदा जे मैं कुछ करके जावां। दुनिया का सब तो मूर्खतापूर्ण काम पता केड़ा है? अपना जन्मदिन आप मनाउणा। कोई दूजा मनाए तो समझ भी आती है। असं गुरु साहबाना के पुरब मनाते हाँ, भगतान के, गुरसिखा दे, क्योंकि कुछ करके गए ने समाज के लिए, वो करता ने। पर अपना जन्मदिन आप मना इस गल का सबूत है कि मैं इस संसार लिए कुछ नहीं करके गया, लोगों ने मैं याद नहीं करना, चलो अपना जन्मदिन आप ही मना लो। मैं कुछ करके जावा कि लोग मेरा जन्मदिन मना, मैं करता होव। देखो सड़क के उपर गोबर पिया होया, गोहा पिया मझ का, सड़क किसी की मझ का गोहा, किसी का खेत, किसी का, पूरन सिंह उन्होंने गोहा चुकिया, चुक के सड़क की सफाई कर दिती, तो गोहा चुक के खेतों च पा दिता, खेतों को खाद भी मिल गई, सड़क भी साफ हो गई। हुण अपने लिए तो कुछ नहीं किया ना, तो लोगों ने उस पूरन सिंह नूं भगत कह के सन्मान दिता है, भगत पूरन सिंह है। क्यों? क्योंकि समाज लिए कुछ करके गए ने। गोबर किसी का, रस्ता किसी का, खेत किसी का, गोबर चुक के नाले रस्ता भी साफ कर दिता, नाले किसी के खेत नूं खाद भी मिल गई, वो कुछ करके गए ने, वो करता ने। वह इस करके करता बनना है, कुछ करके जाना पेगा समाज लिए। गुरु साहब ने
ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰੇ, ਨਗਰ ਬਣਾਏ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਲਵਾਏ, ਬੌਲੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਲਟ ਲਵਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਦਰੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਬਣਵਾਏ, ਬਾਗ ਲਵਾਏ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਮੈਨੇ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੀਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੂਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਰੱਬ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੂਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੂਨ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਕੁੱਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੱਖ ਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਕਿਸਿਓਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਪੀਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗੰਡ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ, ਸਰਬ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਮਰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰਹੀਣ ਐਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰਹੀਣ ਐਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੂਕਰੈ ਸੂਕਰੈ ਗਰਦਬੈ ਕਾਕੈ ਸਰਪਨੈ ਤੁਲ ਖਲੈ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਾਂ ਸੂਰ ਕੁੱਤੇ ਖੋਤੇ ਵਰਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਜੂਨੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਣਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਭ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਵੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਓਗੇ? ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮੱਝ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ, ਮੇਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਆਵਾਗਮਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਜੂਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਅਜੂਨੀ ਹੋਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੂਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜੂਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਜੋੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਾਈ ਸਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਤ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਮਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਮੁਬਾਰਕ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਚੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਔਗਣ ਵੀ ਨੇ। ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਗਿਆਨਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ। ਟੇਢੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੇਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗਿਆਨਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਗ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਗ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਗ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਂਡਾ ਵੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਗ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਝ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਹਿ ਬੁਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਧੇ ਖੱਪੀ ਹੈ, ਕਲਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਲੜਿਆ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਿਆ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਗੀਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰੀਬ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਗੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬੜੇ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੌੜ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ? ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਕੌਡੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਭੂਮੀਏ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਔਗੁਣ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜਿਉਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਰੈਕਟ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੂ ਗ੍ਰੀ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਗੂ ਮੈਨੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹਨੇਰਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਮੈਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਛਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰੀ, ਸਤਨਾਮ, ਮੁਰਾਰੀ, ਬੀਠਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਤੂੰ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਸਮਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪਦਛੇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਦਛੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਵਾਹ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਕੋ ਹੋਈ, ਅਚਰਜ ਤੇ ਪਰ ਉਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚਰਜ ਨੂੰ, ਅਦਭੁਤ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੂ ਤਮ ਤਨ ਅਗਿਆਨ ਅਨਿਤ, ਗੂ ਮੈਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਰੂਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਿਤ, ਰੂਹ ਮੈਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਮੈਨੇ ਅਦਭੁਤ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਉਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਘੋੜਾ ਨਾਉਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਘੋੜਾ ਨਾਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਰੋ ਕਹੋ ਗੁਰ ਵਾਹ, ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਤਾ ਯੋਗ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਧੰਤਾ ਯੋਗ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਧੰਤਾ ਯੋਗ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਅਸੀਂ ਔਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਰਤ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ,
पर हिस्ट्री दे विच वख वख विद्वानां ने वख वख चीज़ां कहियां। जिहड़ी अमृत संचार की घटना हैगी है, ये हर एक विद्वान ने अपने तरीके नाल लिखी। इत्थों तक एक भी इतिहासकार दूजे इतिहासकार नाल मेल नहीं खांदा भी बाणियां कड़ियां पड़ी होईयां सी। किसी ने एक बाणी कही, किसी ने दो कही, किसी ने तीन कही, किसी ने पांच कही, किसी ने अद्धी एक ओ कही अद्धी दूसरी कही, किसी ने कुछ कही, किसी ने गुरु ग्रंथ साहिब जो बाणियां कही, किसी ने बाहर दियां कहीं। ये भी ही मैच नहीं कर रहे सारे इतिहासकार, क्योंकि सारे इतिहास बहुत बाद विच लिखे गए ने इस घटना नाल संबंधित। तो जो बहुत बाद विच लिखे गए उदो फतेह जिहड़ी प्रचलित हो चुकी सी। इत्थों तक एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह भी आम तौर पर प्रचलित हो चुकिया होया सीगा। इस करके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के समय की होया होएगा, ते उस जमाने दे विच गुरु गोबिंद सिंह जानते ने, सामने बैठिया संगतां जानदियां ने, पर असी इतिहास विच मानता दिंदे आ कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने किया हैगा। इहदे विच हर्ज भी कोई नहीं कि गुरु नूं वाह किया भी उस्तंता योग गुरु का यह खालसा बन गया है, हुण गुरु ने ही अपने खालसे की झोली जित पा दित्ती। वाहगुरु लफज जिहड़ा है वह अकाल पुरख सूचक के रूप रूप विच काफ़ी लंबे समय तो सिख समाज वरत्या जा रहा है। असी भी आप भी कई बार अकाल पुरख वाहगुरु इकट्ठा ही लफज वरत लेंगे, इस तो भाव यही होंगे कि असी उस अकाल पुरख की ही गल कर रहे हैं जिन्होंने असी वाहगुरु करके एज ए नाउन यूज कर रहे हैं। भावें ग्रामैटिकली तुम कहो कि भी इनकोरैक्ट है, भाई ये दो वक्रिया बोलियां का समास बना दिता गया है, पर गल इस वेले व्याकरण के नियम की नहीं है, गल वह है जी प्रचलित हो चुकी है। कई बार व्याकरण के नियम भी सानू प्रचलित शब्दावली के विचों ही ढूंढ के ते निश्चित करने पैंदे ने। तो यह वाहगुरु जो अकाल पुरख सूचक के रूप में घट्टो घट कह सकते हैं अभी भी 100-200 साल तो जरूर ही वरतों चाहिए। उसके पीछे एक कारण है, वह कारण की है जिहड़ी भाई गुरदास जी दी वारा ने उहदे च एक पहली वार है। पहली वार विच भाई गुरदास जी दी 48 पौड़ियां ने, 49वीं जिहड़ी पौड़ी है ना 49 नंबर, वह बाद विच किसी वालों ऐड की गई। जिहड़ी वह पौड़ी प्रचलित हुई उस पौड़ी ने रब का नाम वाहिगुरु बना दिता। किवें कि किते सिख वक्री आजाद कौम ना बन जाण, ये हिंदू मत की ही शाखा बन के रहन। ये फिर उन्हें एक चाल चली, उन्हें कहा जो तुम वाहगुरु कहने हो ना ये रब का नाम है, एवें नहीं बनया है। सतयुग के पूरा एक युग वासदेव का नाम जपया गया, विष्णु 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 वासदेव वासदेव वासदेव, इस करके वाहवा जड़ा वह सिद्ध हो गया। फिर आया द्वापर, द्वापर के जो कृष्ण का नाम सीगा हरी, फिर हरी 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 जपया गया, कृष्ण का नाम जपया गया द्वापर के हरी कह के, फिर हाहा जिहड़ा पवित्र हो गया। हालांकि कृष्ण का नाम मुरारी भी सी, दमोदर भी सी, होर भी गोवर्धन भी सी, वह अखर नहीं लए, उचेचे तौर पर हाहा लभ्या भी किहड़ा नाम हरी, हाहा लभ्या। फिर त्रिता आया, त्रिते दे विच श्री रामचंद्र का नाम जिहड़ा जपया गया, श्री रामचंद्र का नाम राम 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 कह के वह रारा जिहड़ा वह सिद्ध हो गया। फिर कलयुग में गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का नाम जपया गया, गोबिंद 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 गोबिंद। हालांकि कलयुग में गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का नाम किसी ने नहीं जपया है, वह तो दसवें गुरु ने, उस तो पहला नौ गुरुआ के समय से गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का गुरु वजो नाम ही नहीं सी गुरु ने, वह तो दसवें पातशाह जामे च जो आए उदों असी गुरु गोबिंद सिंह किया। फिर उन्होंने कहा भी यह पांच चार शब्द चार युगों का जाप है, यह मंत्र सिद्ध हो गया, क्योंकि वह मनते होंगे सन भी जिस मंत्र एक लख वारी पढ़ लो मंत्र सिद्ध हो जाता है, एक करोड़ वाली पढ़ लो सिद्ध हो जाता है। उन्होंने फिर यह लफ्ज़ लिख दिता कि सतयुग सतगुरु वासदेव वाहवा विष्णा नाम जपावे, द्वापर सतगुरु हरि कृष्ण हाहा हर हर नाम जपावे, त्रेते सतगुरु राम जी रारा राम जपे सुख पावे, कलयुग नानक गुरु गोविंद गग्गा गोविंद नाम अलावे, चारे जागे चौं जुगी पंचायण विच जाए समावे, चारो अक्षर एक कर वाहिगुरु जप मंत्र जपावे, जहां ते उपजा फिर तहां समावे। भारत चार युगों का एक एक रब का अवतार का अखर लैके इन्हों जोड़ के वाहिगुरु बनिया, भाव किसी तरीके सिख आजाद हस्ती ना बन सकन, एक दूजी मत की शाखा बने रहन कि तुहाडे ते वाहिगुरु नाम के विष्णु जी दे हैगे ने, उहदे विच ही रामचंद्र ने, उहदे विच ही कृष्ण ने, उहदे विच ही गुरु गोबिंद सिंह ने, तुसीं अपने आप नूं किवें कह लओगे कि सिख वखरी कौम है। बस एक किसी ने बाद 49वीं पौड़ी जिहड़ी भाई गुरदास दीआं वारां दे विच जोड़ दित्ती आखिरी पौड़ी, क्योंकि विचकार ते जोड़ नहीं सी सकदे, 48 पौड़ियां तां सन, पर 49वीं पौड़ी जोड़ के किसी तरीके खिच धो के सिख मत नूं
दूजी मत की शाखा मनिया जा सके। इन्होंने यह पौड़ी प्रचलित कर दी, जिथों ये प्रचलित हो गया भी वाकई विष्णु हरि भाव कृष्ण जी राम श्री रामचंद्र जी ते गोबिंद ये चारा अवतारा के नाम नूं मिला के रब का एक नाम सिद्ध हो गया वाहिगुरु। बस इथों चली रीत जिदे करके असीं रब नूं भी वाहिगुरु कहण लग गए। देखो एक गल है इत्थे इस पौड़ी दे विच ना एक नहीं कई दोष ने। पहली गल तो यह है कि भाई द्वापर पहला नहीं आया, त्रेता पहला आया, सतयुग तो बाद त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग है। जे उन्होंने पुराणिक या हिंदू मत के जो धर्म ग्रंथ ने उन्होंने मनीए है तो पहला त्रेता आया, तो यह पौड़ी ता ही एक दोष है। फिर अगर जे जड़ी जड़ी इन्हें चाल चलाई है भाई यह नाम सके देवत्या के जिन्हों के नाम तो वाहगुरु बनिया है, तो किसी तरीके भी वाहगुरु लफज बनता ही नहीं है, वह बनेगा वैरागो या वराहगो इस तरीके नाल बनेगा। भाई वाह विष्णा वासदेव ते वाह हो गया, फिर राम दा रा हो गया, हरि दा ह हो गया, गोबिंद दा गो हो गया, तो वाहगुरु तो बनता ही नहीं ना, या वरागो बनेगा या वहारगो बनेगा, कुछ इस तरह की चीज बनेगी, वाहगुरु नाल कोई उदा जोड़ जुड़ता ही नहीं है। फिर तीजी गल यह है कि जे मान लो ये प्रचलित पौड़ी हो भी गई किसी तरह कि सारे सिख समाज में सैकड़े साल तक किसी नूं इन्नी सोझी नहीं आई भी ये गलत जी पौड़ी नूं उन्होंने सत मान के ते सारी कौम दे अंदर वाहगुरु लफज नूं प्रचलित कर दिता, किसी नूं होश नहीं आई कि भाई वाहगुरु लफज साडे वास्ते ठीक नहीं हैगा। पर जे वाहगुरु नूं सब ने प्रवान किया अकाल पुरख सूचक के रूप के विच तां उहदी वजह कुछ होर भी हो सकती है, निरी ये पौड़ी नहीं हो सकती। नहीं वह किया किने प्रवान, अज तक साडी हिस्ट्री च कोई आया नहीं गा भी आ पंथ पंथ इकट्ठा आया उन्होंने फैसला किया गया। अपने तुसी वड्डे वडेरियां तो उन्होंने वड्डे वडेरियां दीयां गल्लां नूं सुन के ईवन जिहड़ा करम सिंह हिस्टोरियन दीयां लिखतां विच्चों वी पढ़ के तुसी देख लो वाहिगुरु लफ़ज़ अकाल पुरख दे वास्ते एज ए पर्यायवाची सैकड़े सालां तों चलदा ही आ रिहा। हां उही ना 18वीं सदी च जो सिख जंगलां युद्धां च बिजी सीगे अमृतपाल सिंह जी, देखो इहदे च कोई शक नहीं वी वाहिगुरु लफ़ज़ जिहड़ा परमात्मा लई प्रचलित हो गया, इहदे च कोई शक नहीं हो भी गया, असीं इस गल तो इनकार ही करना ही नहीं चाहिए भी नहीं होया। बेसिकली ये गल नूं मन के ही चलना चाहिए भी अज वाहिगुरु लफ्ज परमात्मा लिए भी इस्तेमाल होंदा है, भी अज जो साढ़े सिख समाज के विच जी है इस गल नूं असीं मन के ही चल, गलत होया ठीक होया ये भी इशू ही नहीं आया, ये क्यों होया किवें बनाया ये भी नहीं सवाल हैगा। सवाल तो हैगा भी जे लफ्ज अज सिख समाज ने वाहिगुरु नूं परमात्मा दे नाल जोड़ दिता तो फिर की ये सवाल जरा ठीक है कि गलत है, गलत सारी ये है हूँ असी क्योंकि असी भी कई बार उस वाहगुरु को पता जी उ गुरु की गल नहीं करते अकाल पुरख की गल करके वाहगुरु जानता जी आम बोली में भी साढ़े वाहगुरु जरा आगे वस चुका हुआ हूँ इन क्ढ़िया तो जा नहीं सकता ना ही इन्हों जल्दी बदलिया जा सकता ना ही कोई चेंज होने की संभावना हूँ ये दसो गल जी करने वाली भी यदा इस्तेमाल किमें हो गए ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵੱਖਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸੂਚਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਬੇਸ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਬੇਸ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੱਬ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਅਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ 100 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ 50-60-100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਣਪੇ ਚ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਨਾ ਭਾਜੀਏ ਪਰਮ ਸਿਆਣਪੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਔਰ ਦੋਦੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮਿਸ਼ਨੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਭਾਜੀ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਹੈਂਡਸ ਹੋਰ ਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਸ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਨਵਿੰਸ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਵਾਹ ਹੈ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਫਤਿਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਹ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੈਂਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹ ਫਤਿਹ, ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਜੀਓ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਨਵਿੰਸ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫਲੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਆਈਫੋਨ 713 ਵਾਲੇ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਟਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ ਮੀਨਸ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੰਡਰਫੁਲ ਲਾਰਡ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਗੁਰੂ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਨੁਕਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਥਿੰਕ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗ, ਲੋਜੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।
हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी खालसा। मेरा शंका है जी, सतनाम के शब्द बहुत दूर करी जा रहे हैं असी। पहला हर गुरुद्वारे च लंगर वरतों से पहला सतनाम वाहेगुरु संगत को पढ़ाया जाता सी, बोलिया जाता सी। संतां महापुरशां दे डेरियां ते भी बाहर लिखा हुंदा सी द्वारां ते। ते सतनामी जिहड़े इधर हैगे ने 2.5-3 करोड़ छत्तीसगढ़ दे एरिए च, वह सतनामी अपने आप नूं साडे नाल ही गिणदे सीगे। ते सतनाम शब्द असीं दूर करी जा रहे, इहदे बारे दे विचार। बिल्कुल जी, देखो गुरु नानक पातशाह ने जो रब की गल की, रब का पहला नाम यही दिता सी एक ओंकार जिहड़ा असीं भुल गए हैगे आ, ते दूजा नाम दिता सी सत नाम, जिहनूं असीं कहिंदे आ सत नाम तेरा परा पुरबला। जे पुराने तो पुराना कोई रब का नाम है तो सत ही है। ते एक ओंकार गुरु नानक पातशाह ने दिता, ओंकार की सानूं याद नहीं रही, सत नाम की सानूं याद नहीं रही। जिहड़े प्रभु के 8 नाम बेसिक दिते सीगे वह तो असं भुलते जा रहे हैं। तो इतों तक कि गुरु नानक पातशाह की जिंदगी जो अं पढ़ते हैं, वह थां थां ते कहो सतनाम, कह सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम दी ही वह थां थां ते होका ते उपदेश करते हैं। इस करके सतनाम ही सब तो पुराना रब रब का नाम गुरबाणी ने मनिया है। किरतम नाम कथित तेरी जेवा, सतनाम तेरा पर अपरूला। कोई शक नहीं, सानू इहदे नाल भी जुड़ना चाहिए। ते साडा धार्मिक लोगो भी जिहड़ा होवे वो एक ओंकार साडा धार्मिक लोगो होना चाहिए वै, जिहड़ा गुरु नानक पातशाह आप हत्थी सानू दे के गए हैगे ने। धन्नवाद जी। हाँ जी, नैक्सट रमिंदर कौर जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, जिहड़ा आपां हुण जाप करने आ वाहिगुरु वाहिगुरु, एनू कहंदे ने जी वाहिगुरु गुरु मंत्र हैगा वे, ते एनू ते गुरु मंत्र ही असीं मन के जपांगे ना। हां जी, गुरु मंत्र दा मतलब हैगा गुरु दी सिफत, गुरु नूं वाह कहना, वाह गुरु गुरु मंत्र है, भाव वाह गुरु कहना गुरु दी सिफत हैगी है। हुण इत्थे नैचुरली आ गया, मूल मंत्र हैगा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहवं गुरु प्रसाद, जिच अकाल पुरख मूल दी गल है, प्रभु मूल है साडा सारयां दा। मूल मंत्र विच मूल दी सिफत है एक ओंकार तो लैके गुरु प्रसाद तक, जिथे गुरु दी सिफत है उहनूं वाहिगुरु गुरु मंत्र ही इसे करके कहा हैगा इह गुरु दी सिफत है। ते जदों कोई गुरु दी सिफत करदा है ना, जप होमै खोई दा पाव, उहदे हंकार नूं सट वजदी है कि मेरे तो भी वड्डा कोई है जिहदे अगे मैनूं गोडे टेकणे पैंदे ने, जिहदे कोलों मैनूं भी ज्ञान मंगणा पैंदा है। हे सतगुरु तूं मैनूं मत दे, मैनूं ज्ञान दे, गुरु की मत तूं ले इआणे, भगत बिना बहु डूबे सियाणे। देखो बड़ा स्पष्ट हो गया है, साड़ी मर्यादा च भी लिखिया होया कि मूल मंत्र जिहड़ा मूल अकाल पुरख दे आ गुण ने, आ सिफत है। जिथे गुरु की सिफत है गुरु मंत्र, उत्थे वाहगुरु गुरु मंत्र है। जप होमै खोई, भाव गुरु नूं वाह कीतिया साडे हंकार नूं सट वजदी है, साडी होमै टुटदी है, ते असीं निम्रता दे विच आ जांदे हैगे आ। धन्नवाद जी। गुरु नानक साहब जी ने जो बाणी उच्चारण की जी, अकाल पुरख वाहिगुरु नूं गुरु कहा, गुरा एक दे बजाई सब ने ज्ञान का दाता सो मैं विसर ना जाई। होर भी गुरबाणी अकाल पुरख वाहिगुरु नूं गुरु नानक देव जी ने गुरु कहा होया जी, गुरु नानक देव का गुरु अकाल पुरख वाहिगुरु है। तो हम जो असि अकाल पुरख न वाहगुरु कह दिए, अतराज की है जो अकाल वाहिगुरु कह दिए वाहगुरु, भी अकाल पुरख वाहिगुरु वाह है, ये अतराज भी की है जी, ये बारे दस। हाँ जी सरदार टीपी सिंह जी, गुरु नानक पातशाह का गुरु हैगा शब्द। सिद्धा ने सवाल किया सी कवन मूल कवन मत वेड़ा, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। ते गुरु नानक पातशाह ने कहा सी पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुम चेला। गुरु नानक दा गुरु है का शब्द, शब्द मैंने ज्ञान सोझी। उत्थे गुरु नानक पातशाह गुरु गुरा जड़ा गुरु नू कह रहे ने, गुरा एक दे बुझाई, हे गुरु जी मैनू एक समझ दे दिओ। वह कहड़ी जड़ा सबना जिया का एक दाता, जिथे रब नू कहा जांदा हुंदा फिर अगे सबना जिया का एक दाता नहीं सियाणा, हे रब जी मैनू एक दाता ना भुल जाए। ये गल गुरु नू कहनी है ना, ज्ञान नू भी मैनू ये ज्ञान मिल जाए, ये समझ आ जाए
कि मैनू रब ना भुल जाए। सभना जिया का एक दाता, जिहड़ा सारिया जीवन नू दाता देने वाला एक रब है, सो ओ वाला रब। इहदा मतलब संबोधन गुरु नू कीता जा रहा, रब नू नहीं, रब वास्ते सो लफ्ज वरत्या गया। ओ वाला रब जिहड़ा सारिया नू दाता दिंदा है, सभना जिया का एक दाता, सो मैं विस्तर ना जाई, वह मैनू भुल ना जाए, वह वाला रब। इत्थे गुरा जिहड़ा है गुरु नू संबोधन है। हाँ, बहुत थावां ते गुर शब्द का अर्थ वड्डा भी हैगा वै, जिथे रब नू वड्डा किया जांदा है, जिवें कबीर भी किया जांदा है, कबीर का अर्थ भी वड्डा हैगा, रब नू कबीर भी किया जांदा है, गुर भी किया जांदा है, वह वक्खरे शब्द ने। पर इस शब्द विच गुरा जिहड़ा है गुरु नू संबोधन हैगा वै, ते गुरु नू संबोधन करके किया जा रहा भी वह वाला रब जिहड़ा सब नू रोजी दिंदा वै, दातां दिंदा है, मैनू भुल ना जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी ज्ञानी जी आप जी का। तो मेन जो अज दे सारी विचार वटांदरे सारी डिस्कशन दे विच जिहड़ी गल तुसी जित्थों आरंभ कीती सी कि अकाल पुरख गुणा दा समूह है, सारे गुणा दा दाता है, ते जिस तरह तुसी कहा सीगा कि असी कह सकते हैं कि सच ही प्रभु है, सच ही अकाल पुरख है, सच परमात्मा है। तो भावें हुण तुसी कहो कि परमात्मा लफ्ज़ गुरबाणी च नहीं आया, पर परमात्मा प्रचलित तौर दे उत्ते असी वरतदे रब वास्ते ही हाँ, उसे सेंस विच असी यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर प्रचलित लफ्ज़ गुरबाणी में गुरु ग्रंथ साहब जी यूज होया ही होवे। सोचण वाली गल मेन यह है कि भाई जिहड़े लफ्ज़ असी वरतों च लिया रहे हाँ उन्हां दा प्रचलित मीनिंग समाज की एक्सैप्ट करता है। तो परमात्मा लफ्ज़ भावें उहदे पुराने लिटरेचर के अंदर परम आत्मा के रूप में किसी होर सेंस विच यूज किया गया होवे, जिवें दमोदर इनिशियली केवल कृष्ण जी वास्ते वरतिया गया सीगा, जिहदा आखिरी अर्थ तो बनता ना कि जिहदे पेट दुआले रस्सी बद्धी हुई है, जिहड़ी यशोदा ने कृष्ण जी के पेट से बद्धी सी, पर गुरबाणी ने दमोदर लफज परमात्मा अकाल पुरख वास्ते ही रब वास्ते ही वरत्या है। तो जदों गुरबाणी दमोदर आता है असीं उहनूं रब का ही नाम मन के उहदा पर्यायवाची मन के ही चलते हाँ। तो उस सेंस विच परमात्मा कहीए, वाहिगुरु कहीए, अकाल पुरख कहीए, वह सारे उस हस्ती के सूचक हैं, गुणा का मुजस्मा है, गुण सारे गुणा का दाता है। तो उसे गुरु का ज्ञान जो है वह ज्ञान गुरु है साडा, जिसने उस उन्होंने गुणा के नाल साडी सांझ पाणी है। मेरे ख्याल नाल तत दा निचोड़ सारी विचार दा किसे नूं ही असीं मन लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक। देखो जी असली गल तो हैगी है गुणा नूं धारण करना। जे असीं एक ओंकार स्टार्टिंग ही कर लैने ना, रब एक है ते सारिआं विच कार है, जे सारिआं विच हैगा है ते जे राजनीतिक लोक इस गल तों सीध लै लैण भी रब सारिआं च है, ते उह जिहड़े सरकारां ने फिर उह नशे बंद करा देणगीआं, बुराई बंद करा देणगीआं, भ्रिष्टाचार रिश्वतखोरी बंद करा देणगीआं। जे समाजिक तौर पर असीं इहनूं मान लईए भी वो एक ओंकार एक सारिआं विच है रब, तो समाजिक तौर पर साडे जातिवाद खत्म हो जाएगा। जात पात का जिहड़ा कोड है ना, ये एक इंसान नूं दूजे इंसान तो दूर कर रहा, वक् कर रहा, वह नीच वह ऊंच, वह चंगा वह माड़ा, वह घटिया वह वधिया। जिस दिन एक ओंकार नूं समझ जावांगे समाजिक तौर पर, एक पिता एक सके हम बारक सारिआं च रब देखांगे, सभ्या कटराम बोलिया हो जाएगा। जे एक ओंकार नूं असीं आर्थिक तौर पर देखांगे तो रब सारिआं विच है, तो आर्थिक तौर पर जदों इत्थों गुण लवांगे फिर कोई दो नंबर के धंधे नहीं करेगा, नशियां की तस्करी नहीं करेगा, मिलावटी समान नहीं बेचेगा, रब दे नाल बेईमानी नहीं करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा, रब की जेब नहीं कटेगा। जे परिवारिक तौर पर असीं एक ओंकार नूं धारण कर लैंदे हैगे आ कि रब सारिआं विच है, तो परिवारिक तौर पर साडे झगड़े खत्म हो जाणगे, साडे भैणां भरावां दे माता पिता दे धीआं पुत्तरां दे आपसी सारे झगड़े खत्म हो जाणगे। जाते तो है गुरुद्वारे मत्था टेकन, एक ओंकार पढ़ के सुन के आते हैं, आंद्या लड़ाई हो जाती है, एक जना कार चो रस्ते चो लड़के उतर जाता है, मैं बस जा जाऊंगा थोड़े ना जाता ही नहीं हाँ। एक माँ प्यो चो रब नहीं देख रहा, एक पति पत्नी चो नहीं देख रहा, एक धियां पुत्रां चो नहीं देख रहा, पढ़ रहा एक ओंकार। जे रब एक सारिआं विच है, परिवारिक तौर पर साडे झगड़े मुक जाएंगे, साडे कौड़े बोल खत्म हो जाएंगे, सत संतोख दया धर्म तीरज आ जाएगा। धार्मिक तौर पर एक ओंकार नूं समझ लवांगे तो धार्मिक तौर पर साढ़े अंदर गुण पैदा हो जाएंगे, साढ़े गुरुद्वारों के धार्मिक संस्थावान संपर्दावान लड़ाइया झगड़े नहीं होंगे, गोलकों की लड़ाइया खत्म हो जाएगियां, गुणा की गल होएगी। गल तो मनण की सी, रब का कोई नाम हो, पहला नाम एक ओंकार ही मान लिया जाए तो जिंदगी के सारे झगड़े कलेष खत्म हो जाएंगे, दुनिया से सुख शांति आनंद फैल जाएगा जो असी रब के गुणा अपने जीवन में प्रगट करा। गल तो सी रब के जिन्हें भी नाम ने वो सारे गुण ने, उन्हें गुणा की वरतों करनी सी, तो जो गुणा की वरतों करता है ना वह भगत है,
भगत का मतलब यह नहीं है कि जिन्हें माला पाइया ने मत्थे तिलक लाया तो भगवे कपड़े पाए ने बड़ा बड़ा भगत है विलड़ है वह भगत है। पेंट शर्ट वाला भगत हो सकता वै, टाई लाई वह भगत हो सकता वै, कोई भी इस धरती से भगत हो सकता है। भगत वह है जिन्हें इन्होंने गुणों की वरतों की, निर्वैर बनिया, निरभौ बनिया, बख्शिंद बनिया, एक ओंकार के नाल उन सारे चो रब न देखिया, जिन्हें इन्होंने गुणों की वरतों की वह असल च भगत हैगा वै। गुण निधान, गुण निधान भगतन को बरतन बिरला पावे कोई, एक गुणा का खजाना भगतान की वरतों विहार है, तो जिन्हें गुणा के खजाने वरत्या गुणा वरत्या वह भगत है। गल तो सी रब के नावों जिंदगी च प्रगट कर गुणा उभारन की, तो असी उस पक्षों से बहुत थावान से अवेसले हो गए हाँ। जी सू लोड़ हैगी अज के जपजी साहब के एक ओंकार ही समझ के असी सारे एक रब देखना शुरू कर दीए, साढ़े सारे झगड़े नेर तिर के वितकरे खत्म हो जाएंगे। पति पत्नी चो रब देखेगा तो उन्होंने धोखा नहीं देगा, पत्नी पति चो रब देखेगी धोखा नहीं देगी, जे सस नूह चो रब देखेगी वो सिर पर तेल पा के जिंदा नहीं सड़ेगी, वो सेवा करेगी, नूह सस चो रब देखेगी वो गुत फड़ के घरों बहर नहीं कढ़ेगी, उस माँ चो रब देखेगी। इस तरह माँ प्यो बच्चों चो रब देखे झूठ बोलना नहीं सिखाएंगे, बच्चे माँ प्यो चो रब देखे बुढ़ापे चो उन्होंने ठोकर खाने छड़ के नहीं जाएंगे, रब समझ के सेवा करे। मालक नौकर चो रब देखेगा, नौकर पूरी तनखाह देनी पेगी, वह हक देना पेगा। नौकर मालक चो रब देखेगा, उन्होंने पूरी ईमानदारी अपनी जॉब करनी पेगी, अपना काम करना पेगा। असी उस गुण में वरतीए, जिन्हें रब के नाम ने उहदे गुण ने, असली मकसद हैगा गुणा नूं वरतन दा। जपजी साहिब दा पाठ करदे आ ते 20 साल 40 साल 50 साल लग गए, पर वरत्या किन्ने इन्हां गुणा नूं, जिहड़ा वरत लेगा उहदी जिंदगी सुखी ते खुशहाल ते शांत ते आनंदित हो जाएगी। इन्नी आ मेरे वल्लों बेनती आ प्रवान जी, धन्नवाद। बहुत बहुत धन्नवाद जी। सो अज दी विचार नूं इत्थे ही खोजदे आ जी।